तो पति क्या घर में रोटियां तोड़ने के लिए रखा, उसको बोलो ना बनाए। मैं यहाँ पे 24-24 घंटे पटाके बेच सकता हूँ, वो आपका पति एक रंगोली नहीं बना सकता। कमाल कर रही है आप। अजी सुनते हो? नहीं नहीं, कल शाम से बहरा हो गया हूँ, हट। थोड़ा बात मुझे भी दे दिया करो, जब देखो दूसरी औरतों के साथ टाइम पास करते रहते हो। 24 घंटे रोती चिल्लाती मरती रहती है, सब कुछ दिया भगवान का दिया सब कुछ है, फिर भी रोना चिल्लाना वही चला रहता है इसका। हाँ हाँ पता है, सब कुछ भगवान ने दिया है, सब कुछ तो मंदिर से आता है इस घर में। जूता चप्पल मंदिर से, लंगर मंदिर से, सब कुछ तो मंदिर से आता है इस घर में। तू पता नहीं अपने बाप के घर से कैसे आ गई। एक सेकंड रुको, मुझे नीचे आने दो। कोई टेंशन है? आप छोड़िए, होता रहता है। बीवियां किसको अच्छी लगती है? अपनी पर्सनल बीवी किसी को नहीं अच्छी लगती। आप टेंशन मत, आप बम बम देखिए, आप ये देखिए। अच्छा। ये पटाखा ताजमहल पटाखा शाहजहां खुद बना के गए थे जब उनकी। तुम मुझसे बात करो, क्या कह रहे थे, क्या दिया है मुझे तुमने, क्या नहीं दिया घर में, क्या नहीं है? लोगों के पास सिर्फ घर होता है, मैंने साथ में सड़क भी दी तेरे को। ये कल को हम ही लोग इस पे कब्जा करेंगे ना। तुम बस कब्जा करती रहना, काम मत करना कभी। तू तो मेरे को लेक्चर मत दे, तेरा बाप तो सबसे बड़ा उस्ताद है कब्जा करने में। बड़ी आई तू कब्जा करने में, कब्जा करने में। ए पाजी, इनके घर में ना एक बार चूहे ने ना बिल खो दी। इसका बाप इतना कब्जी है, चूहा बाहर गया ना, उसने थोड़ा सा और खोद के 4x6 का कमरा बना लिया। ये वही पली बड़ी है, तभी तो चूहिया जैसा मुंह इसका। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ पाजी कैसे कैसे कब्जे करता है। एक बार दाढ़ निकलवाने गया डॉक्टर के पास, उसने मुंह में कैंची डाली, मुंह बंद कर लिया, कहता कैंची मेरी। भूखे नंगे लोग पाजी ये। एक्सक्यूज मी, हमें भूखा नंगा क्यों कह रहे हो? सिद्धू जी, मेरे पापा ने दिवाली पे पटाखे भेजे फोड़ने के लिए, और इस भूखे नंगे ने खुद ही इन पटाखों की दुकान खोल दी। इससे ज्यादा भूखा नंगा कौन हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं जा रही हूँ। अरे भेजी, रुकी रुकी, देखो आज दिवाली है, दिवाली पे ऐसे घर की लक्ष्मी को जाने नहीं देते। तो मैं कहाँ जाने दे रहा हूँ आपको, आप तो इधर ही हैं। क्या बात कही है, कौन ऐसी बात पे हक बनती है? यस, वाओ। असली लक्ष्मी आपकी धर्मपत्नी है। क्या बात कर रही हैं आप? मैं जा रही हूँ। ए सुनो, घर से लक्ष्मी ऐसे नहीं जा सकती, घर से लक्ष्मी ऐसे कैसे चली जाए? चलो भागो, तुम लक्ष्मी नहीं जाएगी कहीं। हम तो बाहर जा सकते हैं। ठीक है, आज दोहरी खुशी का दिन है। एक तो आज दिवाली है, दूसरी खुशी की बात यह है कि हीरो काफी आते रहे हैं हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए, लेकिन आज जो शख्स यहां पे आ रहे हैं वो एक सुपर हीरो है। देखना यह है कि वो सुपर हीरो जो है उनकी एंट्री कैसी होती है। भाजी ग्रैंड एंट्री, ठिकी वाली एंट्री, पटाखे की तरह खड़का रहे हो। देखना यह है कि जमीन का सीना फाड़ के आते हैं या छत फाड़ के आते हैं या ऑडियंस के ऊपर से तैर के आते हैं। I'm not sure, babes. So, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हॉलीवुड लुक वाले हीरो ऋतिक रोशन के लिए। सर, ऑनर्ड। मेरी आईब्रोज ठीक है कि नहीं? आप जितनी खूबसूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी। सर सर, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। थैंक यू सर। और कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपसेट हूँ। किस लिए सर? आपने कहा सुपर हीरो सुपर स्टार की एंट्री, और फिर ये है? मेरी मम्मी इतनी प्राउड थी कल कि आई एम गोइंग टू कॉमेडी नाइट्स, शी इवन टोल्ड मी। मुझे यहां तक उन्होंने कहा कि वहां सेट पर पहुंचते ही सभी यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं और सिद्धू सर स्पेशली यू, अरे ऑल ऑफ यू, शी सेड पहली चीज तो आप जाओ वहां पर और सबको फ्रॉम माय साइड गिव देम अ बिग झप्पी। इस इंसल्ट के बाद, यू हैव हर्ट मी सर, यू हैव हर्ट मी, नाउ यू हैव टू अर्न द झप्पी। ये तो आप आए तो मोपेड मंगाई, नहीं तो हमारा तो पैदल का बजट था। दादी, बच्चों, ये तो तरीका है सुपरस्टार को लेके आने का।
कितनी बार कहा था मामा बनी रिक्शा पे लेके आना है और तू अब तू मुझे मेरे दुग्गू से बात करने दे दुग्गू उल्टा बैठा था देख भी नहीं पाई बराबर से देख लो देख लो देख लो कैसा है दुग्गू मैं अच्छा हूँ मैं बता दूँ मैंने तुम्हारी वो क्रिश ये क्रिश क्रिश पिस पिस ऐसा ऐसे ना कुछ उसमें ऐसी बिल्डिंग उठा लेते हो तुम हाँ 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 है ना वहाँ बिल्डिंग उठा लेते हो यहाँ पुरानी इमारत उठा के तो दिखाओ बोलो बोलो टेल टेल आर यू द रेडी गिरा दो वैसे भी रीडेवलपमेंट में जाने वाली है जानते हैं कोई बात नहीं कितना प्यारा है कितना सोना है मेरा राजा बेटा बड़ा सोना है अच्छा देख मतलब की बात करते मुझे ऐसे लग रहा है मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं हो सकता है ये मेरी आखिरी दिवाली हो इसलिए ऊपर जाने से पहले मेरी दो चुट्टू से इच्छाएं हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इच्छाएं तुम ही पूरी करोगे संस्कारी बच्चा जो ठहरा जी आर यू द रेडी आई एम द रेडी यस ओके माय फर्स्ट इच्छा यू ऑल शुड लिसन एवरीबॉडी लिसन पप्पी यू नो तुमको वहाँ पे बोलते बहुत अच्छे डांसर हो इधर की अच्छी डांसर मैं हूँ तो जैसा अच्छा डांसर मुझे और कहाँ मिलेगा वो तेरा कौन सा था सेनोरिटा था ना उसमें से कोई अच्छा वाला एक स्टेप सिखा दे मुझे फर्स्ट इच्छा स्टार्ट तो चलो मुझे प्लीज हो गया खत्म हो गया बस इच्छा कंप्लीट हैंड्स फॉर आई विल बी डूइंग दिस यस सेकंड इच्छा अरे ले ले क्या बॉडी है तुम्हारी यार वेरी मस्कुलर तुम्हारी जैसी बॉडी मुझे चाहिए मेरी जैसी बॉडी एक दो अच्छी सी एक्सरसाइज दिखा दो फिर मैं पता नहीं मेरा क्या होगा अगर मैं कर पाई तो सुपर नहीं कर पाई तो ऊपर तेरा दिमाग तो नहीं खराब है कोई शरीफ आदमी कुछ बोल रहा तू तेरी इच्छाएं बढ़ती जा रही तेरे बालों की तरह जाना अंदर जाके एक्सपायर हो जाके टाइम पे आई नो यू डोंट लाइक मी एनीमोर बिट्टू ठीक है दुग्गू जी जी मैं जा रही हूँ लेकिन शगुन की पप्पी ले ले शगुन की पप्पी कैसे कैसे उतरेगी दादी नहीं दादी दादी नहीं दादी छोड़ ना इधर वाली तेरी और इधर वाली मेरे नहीं 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 इधर वाली रह गई क्या भाग रहा आई एम सॉरी ऋतिक जी मेरी दादी थोड़ी आज टल्ली हो गई ज्यादा दिल की पूरी नहीं है होता है है बदमाशी पूरी पर आज हमारे दर्शकों के लिए इससे बड़ा दिवाली का गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता कि ऋतिक आज हमारे बीच में है सो एक बार मैं चाहूंगा कि आज आप हमारे दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दें वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू मैं इतना खुश हूं कि मैं आज यहां पर हूं आई एम वेरी प्राउड बिकॉज माई पेरेंट्स आर वेरी प्राउड कि आज मैं यहां पर हूं ऑन कॉमेडी नाइट्स विथ कपिल तो स्टे सेफ स्टे हैप्पी एंड हैव अ ग्रेट टाइम गाइज काम बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में लेकिन काम से भी थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू हैव फन हैव फन एंजॉय करो एंजॉय क्रिश परिंदों से परवाज करता है क्रिश पर सारा जमाना नाज करता है हवाओं पर उसकी सल्तनत है तो क्या अरे वो तो सबके दिलों पे राज ऋतिक आज आपके आने की खुशी में हमने खास तौर पे ये सजावट की है और मैं ही जानता हूं कि कैसे रात को किसी की शादी से मैं ये सब चुरा के लाया हूं हमारे शो के जो पिताजी हैं हमारे फादर फिगर सिद्धू बाजी आज उनका जन्मदिन है उनके लिए जोरदार तालियां हैप्पी बर्थडे सिद्धू बाजी आप
इससे बेहतर जन्मदिन मैंने कभी नहीं मनाया, क्योंकि रोशन खानदान के चिराग ने इसे पूरी तरह से रोशन कर दिया। पाजी भगवान आपको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, आप ऐसे ही हंसते रहे, हमारे पर्सनल वेरी ओन इंडियन लाफिंग बुद्धा। थैंक यू पाजी। सरदार खुश हुआ। सारी दुनिया जानती है कि ऋतिक जितने अच्छे एक्टर हैं उतने ही अच्छे पिता भी हैं, उतने ही अच्छे पुत्र भी हैं। और जब आपके पापा आपको डायरेक्ट कर रहे होते हैं, ऐसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ, तो जैसे वो आप मतलब थोड़ा वो, तो पापा के सामने थोड़ा ऐसे शर्म नहीं आती थोड़ी सी कि पापा देख रहे हैं, तो उनको ऐसे नहीं कहते पापा मुंह उधर कर लीजिए तो कभी फील होता मतलब ये। अगर आप मेरी मेरे पापा की कहानी अगर आप जानते कि जब वो अपने उम्र में जब थे, तो उनकी कहानी अगर आप सुनोगे तो आप ये सवाल मुझे नहीं पूछोगे, क्योंकि he's a player man. He was like मेरी दादी मुझे बताती थी कि he was dating one beautiful girl. अरे वाह। और उस beautiful girl की एक बहन थी, and that बहन was dating a beautiful man, and eventually पता ये चला कि they were both dating the same man. He was my father. राकेश अंकल। yeah, राकेश अंकल आप तो क्रिश्चियन निकले हैं। पापा आई एम वेरी वेरी सॉरी।